यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। Why is it difficult to walk on ice? है ना, ठीक है, मतलब आइस पे चलना मुश्किल होता है, सभी को पता है, या फिर ऐसा कोई भी सरफेस जहां पे फ्रिक्शन कम है ना, जैसे अगर फ्लोर पे पानी वगैरह पड़ा है या फिर सर्फ का पानी पड़ा है या फिर हम केले के छिलके पे लात रख दें ना, तो ऐसी कोई भी सर्फेस जहां पे फ्रिक्शन कम है चलना मुश्किल होता है और फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑब्वियसली रीजन है क्योंकि हम चलते हैं। अब अगर जो लोग फ्रिक्शन को समझते हैं उनके लिए बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई है ना, क्योंकि हम चल ही फ्रिक्शन के कारण पाते हैं, है ना। देखो होता क्या है, जैसे ये तो बहुत डिफिकल्ट सा फिगर है, आसान तरीके से समझे, मान लो तुम ऐसे खड़े हो ना, लेट से तुम ऐसे खड़े हो, है ना। तो देखो होता क्या है, जब तुम हो तो तुम्हारी बॉडी का जो नॉर्मल है, देखो तुम्हारे बॉडी पे फ्रिक्शन कैसे तुम्हें संभाल रहा है, रोक रहा है ना। कलर चाहिए मुझे, कैसे काम करता है यार ये अपने आप अपनी जगह बदल लेता है और मुझे आज तक नहीं पता कैसे होता है ये, पता नहीं कैसे होता है ये, चलो जो भी है। तो देखो तुम्हारी बॉडी, अगर हम अपने एक पैर का सिस्टम बनाए ना, एक पैर अकेले को सिस्टम मान लेना, तो तुम्हारी जो इधर वाली बॉडी है वो इस पे लगभग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये जो फ्लोर है वो एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा अंदर की तरफ लग रहा है जो तुम्हें बचा रहा है ना। तो ये जो फोर्स है बॉडी का, हमारे इतने पार्ट का फोर्स, अगर हम एक पैर पर देखें तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, है ना। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट है एफ फोर्स का, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, एफ कॉस थीटा, और एक नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है एफ साइन थीटा। तो जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, हमने सिर्फ याद रखना, हमने सिस्टम सिर्फ एक पैर का बनाया, इसको समझने के लिए हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। अगर तुम्हें एक्चुअल में समझना है कि तुम्हारे पैर क्यों फिसल जाते हैं, तुम एक पैर को सिस्टम मानो, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो नॉर्मल फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है, पर ये जो एफ कॉस थीटा है उसको कौन कैंसिल आउट करता है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है और तुम ऐसे फिसल जाओगे ना। अब तुम जैसे भी, अगर तुम ऐसे थोड़े तिरछे खड़े हो तो भी फिसल जाओगे, तुम तिरछे खड़े हो तो पूरा फिसल ही जाओगे, जैसे ये लड़की फिसल रही है ना।